उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में दो परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस जघन्य हत्याकांड के बारे में सुना गमगीन हो उठा। बच्चे के सामने ही उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई। बच्चा जान की सलामती के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हत्यारों का दिल नहीं पसीजा। देवरिया में हुए हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का बड़ा असर देखने को मिला है। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद का निस्तारण कराने में लापरवाही बरतने को लेकर रुद्रपुर तहसील के SDM, CO समेत राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है। सभी पर विभागीय कार्रवाई की गई है। किसी को निलंबित कर दिया गया है तो किसी का ट्रांसफर कर दिया गया है। जिन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है उनमें SDM, CO, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी है। बताया जा रहा है कि शासन की रिपोर्ट में देवरिया हत्याकांड में पुलिस और राजस्व के अधिकारियों कर्मचारियों की घोर लापरवाही और कर्तव्य पालन में शिथिलता संज्ञान में आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया। विवाद को लेकर सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में IGRS के जरिए कई शिकायतें की थी। पुलिस और राजस्व विभाग में भी शिकायतें भेजी थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, लेकिन दोनों विभाग के संबंधित अधिकारियों ने इसे ना ही गंभीरता से लिया और ना ही निस्तारण कराया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती मृतक सत्य प्रकाश दुबे के घायल बेटे का हाल जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा था कि रुद्रपुर तहसील के राजस्व कर्मियों और थाने की पुलिस ने समय से मामले का निस्तारण कराने में ढिलाई क्यों बरती। लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की घटना की गहन समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी की नाराजगी को देखते हुए आनंद फानंद में शासन ने रुद्रपुर तहसील के SDM, CO, 2 तहसीलदार समेत राजस्व और पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। इन सब पर निलंबन की गाज गिरी है। गौरतलब है कि बीते दिनों अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया कि पैमाइश और विरासत से संबंधित मामलों को 48 घंटे में निपटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां से भी जमीन संबंधी शिकायत आ रही है, जिले या तहसील के बड़े अफसर खुद जाकर निपटारा करें। अगर किसी ने जबरन भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। हर छोटी से छोटी शिकायत पर मौके पर जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।